ने जो देखा है, जो सच्चाई देखा है, वो कभी फोटो और वीडियो पूरा नहीं करता। इसमें जर्नी करने का जो है मजा ही कुछ और, इसलिए हम लोगों ने टूर पैकेज या लोगों बाकी जो कैब वगैरह नहीं किया। 20-30-40-50 रुपये में हो जाता है। देखिए मंदिर का जो आर्किटेक्चर कितना बेमिसाल, लाजवाब। और एक कारूंग देखिए हाथी। हम अभी मौजूद है सन टेम्पल में। इस मंदिर का निर्माण जो है 1250 शताब्दी में किया गया था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। जो है खर्चा भी कम होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम खर्च में जो है आपका यात्रा सफल हो जाए। हो गया था, यहाँ से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से जब मैंने टिकट बुक किया तो मेरा टिकट में 5-5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी 70 रुपये में 2 टिकट हो गया। तभी ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है एक विशाल रथ के तौर पे किया गया है। मतलब ये जो मंदिर का जो डिजाइन है एक आपको जैसा लगे कि एक रथ। विशाल कारीगरी जो है मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। अक्सर तो ये सब फोटो में ही देखते थे। ये आर्किटेक्चर वही कालिंगा वाला तकनीकी से ये बना। मंदिर की जो भव्यता है, जो आर्किटेक्चर है, वो ये वीडियो या फोटो बयान नहीं कर पाएगा। जो मेरा हाथ जब घूमू पहुंच गए हैं लोकल बस के द्वारा कोणार्क मंदिर का जो प्रेमिसिस है वहाँ। अब यहाँ से जो है कुछ देर पैदल जाएंगे और देखेंगे कोणार्क सन टेंपल का नज़ारा। लोकल बस में जर्नी करने का जो है मजा ही कुछ और, इसलिए हम लोगों ने टूर पैकेज या लोग बाकी जो कैब वगैरह नहीं किया। 20-30-40-50 रुपये में हो जाता है काम। अब यहाँ से जो हम लोग लिंगराज जाएंगे, वहाँ से फिर वापस जो है खुदरा रोड जंक्शन चले जाएंगे ट्रेन लेके। चलते हैं मंदिर का नज़ारा देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी जो हम लोग पूरी से बस लिए थे वो 50 रुपये करके लिया और ठीक कोणार्क मंदिर के सामने छोड़ दिया। और इसके बाद जो है हम लोग लिंगराज मंदिर जाएंगे। हम लोग हर जगह नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग पास 2 दिन का समय है। तो आज जो है हम लोग टेम्पल एरिया को कवर कर रहे हैं और कल जो है हम लोग शॉपिंग करेंगे और जो है बीच का एरिया है वो बीच वगैरह घूमेंगे। पुरी बीच, गोल्डन बीच, मरीन ड्राइव बीच, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और जो है खर्चा भी कम होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम खर्च में जो है आपका यात्रा सफल हो जाए। हो गया था एक पंगा, टिकट काउंटर में गया, 500 का नोट का छुट्टा है नहीं, जबकि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं देखने के लिए सन टेम्पल को और उनके पास छुट्टा नहीं है। ये ताज्जुब सी बात थी। फिर हमने जुगाड़ लगाया तो इधर उधर देखा तो यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल दिया गया था, तो यहाँ से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से जब मैंने टिकट बुक किया तो मेरा टिकट में 5-5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी 70 रुपये में 2 टिकट हो गया। तो अभी आकाश जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है और मैं मोबाइल से जो है टिकट बुक कर लिया हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। चलो कुछ बुरा होने से कुछ अच्छा भी होता है। ये देखिए मंदिर का जो आर्किटेक्चर कितना बेमिसाल, लाजवाब। और एक कारूंग देखिए हाथी। तो बेसिकली इस मंदिर को जो बनाया था उन राजा का नाम था नरसिंह देव प्रथम। वो जो थे गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये जो आर्किटेक्चर है ये कालिंगा श्रेणी का है और इसकी जो कार्विंग है वो बेमिसाल है। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में अलग होता है, द्रविड़ियन शैली होता है, कालिंगा श्रेणी होता है, ऐसे कई सारे श्रेणी हैं अलग अलग राजाओं द्वारा जो श्रेणी का विकास किया गया था। हाँ, ये देखिए इस मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसा किया गया था। जो सन मंदिर है या सूर्य टेम्पल या कोणार्क टेम्पल है, ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है एक विशाल रथ के तौर पे किया गया है। मतलब ये जो मंदिर का जो डिजाइन है एक आपको जैसा लगे कि एक रथ है। हम अभी मौजूद है सन टेम्पल में। इस मंदिर का निर्माण जो है 1250 शताब्दी में किया गया था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। और जो ये मंदिर की जो कलाकृति श्रेणी है, आर्किटेक्चर की जो श्रेणी है, वो कालिंगा श्रेणी की है। उड़ीसा के लगभग सारी मंदिर जो है इसी श्रेणी में बनी बनाई गई है। ये मंदिर जो है काफ़ी विशालकाय है और इस मंदिर का जो शेप है, आकार है, वो एक रथ की तरह है जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो रथ है वो किस प्रकार है, मंदिर का डिजाइन जो है वो किस प्रकार का है। और राजा नरसिंह देव जो थे वो गंगा वंश के जो है सम्राट थे। तो चलिए मैं मंदिर का जो है क्लोज जो आर्किटेक्चर का नमूना मैं दिखाता हूँ आप लोगों के पास से। ये देखिए पहिया, जैसे कि ये घूम रहा है। देखिए इतना बेहतरीन आर्किटेक्चर कलाकृति देखिए, जैसे चक्का एकदम पहिया ओरिजिनल का है। मतलब इतना बारीकी से जो कारीगरी की गई है, आज जो है मंदिर लगभग 1000 साल बाद भी
लगभग उतना ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है। इतना बेमिसाल कारीगरी जो है मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। अक्सर तो ये सब फोटो में ही देखते थे। काफी विशाल का ये मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस पहिए में जो है खिल भी स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ये कारीगरी देखिए जो बारीकी है वो देख के मैं काफी दंग रह गया हूँ। यह जो फ्रंट व्यू है मंदिर का गर्भगृह जो है बंद कर दिया गया है और थोड़ा सा नुकसान ही पहुंचा है। अभी हम लोग हैं शांति होटल, यहाँ पे कोणार्क मंदिर के ऑपोजिट। यहाँ पे जो है 100 रुपये का थाली है, उड़िया थाली। तो देखते हैं थाली में क्या क्या आइटम है। ऑर्डर दिया गया है, एसी है फुल। जो आपका बजट है ये बजट फ्रेंडली होगा। यह है हम लोग का थाली 100 रुपये का। तो 100 रुपये में ठीक ही है और एसी फैसिलिटी भी है तो इतना तो जायज ही है। इसके बाद जो हम लोग एक बार लिंगराज टेम्पल में मिलेंगे और उसका जो है आज का ब्लॉग खत्म कर देंगे। हम लोग जो है लिंगराज टेम्पल पहुंच गए हैं। अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है और ये जो है हम लोग का लास्ट ब्लॉग होगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। वहाँ कोणार्क से जो है हम लोग लोकल बस लिए थे यहाँ लिंगराज आने के लिए, तो 70 रुपये का बड़ा था। अभी हम लोग दर्शन करके जाएंगे, मोबाइल और कैमरा जो है बाहर जो है गोपुरम दिख रहे हैं। अब सीधे हम लोग रूम पर जाएंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। ये नाइट व्यू है मंदिर का और जो है आगे जाके हम लोग दर्शन करते हैं और सामान वहाँ रखते हैं। ये एक जो है व्यू टावर मिला है हम लोगों को, तो यहाँ से जो है लिंगराज मंदिर का पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर जो है विमाना स्ट्रक्चर के तौर पे बनाया गया, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो विमान जैसा दिख रहा है। ये आर्किटेक्चर वही कालिंगा वाला तकनीकी से ये बनाया गया है। मंदिर के अंदर बहुत बड़े छोटे बहुत सारे मंदिर है और मुख्य गर्भगृह में जो है भगवान शिव जी विराजमान है। मंदिर की जो भव्यता है, जो आर्किटेक्चर है, वो ये वीडियो या फोटो बयान नहीं कर पाएगा। जो मेरा आँख ने जो देखा है, जो सच्चाई देखा है, वो कभी फोटो और वीडियो पूरा नहीं कर पाएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल। कल थोड़ा सा चिल आउट करेंगे, बीच में जाएंगे, घूमेंगे, उसके बाद जब परसों रथ यात्रा में सम्मिलित होकर जो है निकल जाएंगे। किसी अजनबी से हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए।